फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या डीएनसी कराने के बाद प्रेगनेंसी जल्दी रुकती है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और उनके साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए कि आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे कुछ कमेंट्स रिसीव हो रहे थे कि मैम क्या हम डीएनसी करा लें, क्योंकि हमने सुना है कि उसके बाद प्रेगनेंसी जल्दी रुक जाती है। तो देखिए, ये माना जाता है कि डीएनसी कराने के बाद जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी रुकने में प्रॉब्लम हो रही है उनकी प्रेगनेंसी जल्दी रुक जाती है। अगर इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन हमें जानना हो तो मैं बता चुकी हूँ कि डीएनसी मतलब डायलेशन एंड क्यूरेटाज में क्या किया जाता है। उसमें जो है आपके सर्विक्स को, बच्चेदानी के मुंह को थोड़ा डायलेट किया जाता है और उसके बाद जो क्यूरेट है उसकी मदद से, एक इंस्ट्रूमेंट की मदद से, वो वजाइना के थ्रू डाल के अंदर की परत को घिस के निकाल दिया जाता है। अब क्योंकि उसमें घिसाई हो रही है तो अंदर की परत, बॉडी का एक मैकेनिज्म है इन्फ्लेमेशन, जिसमें हीलिंग के लिए वो करता है, तो उसको हील करने के लिए बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन होगा। जहां पर भी इन्फ्लेमेशन होता है, अगर बिल्कुल आम भाषा में समझाऊं तो वहां पर ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, सेलुलर ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है, कुछ मीडिएटर्स आते हैं जो हीलिंग में हेल्प करते हैं, जो बेनिफिशियल होते हैं उस जगह के लिए, और उस एरिया की क्योंकि सेल्स ज्यादा बन रही है तो थिकनेस भी थोड़ी बढ़ जाती है। अब यूट्रस के अंदर, क्योंकि ये सब कहाँ हो रहा है, यूट्रस के अंदर की लाइनिंग में, एंडोमेट्रियम में, जिसके अंदर क्या होना है, इम्प्लांटेशन होना है। अगर प्रेगनेंसी रुक जाती है तो वहां पर आकर बच्चे को चिपकना है गर्भाशय के अंदर। अब अगर उसकी थिकनेस ज्यादा है, वहां पे सेल अच्छे से बन रही हैं, नॉर्मल से थोड़ी मोटी बन रही हैं, वहां पर ब्लड सप्लाई अच्छी है इस मंथ, क्योंकि आपने लास्ट मंथ डीएनसी कराई थी, तो इस मंथ गर्भ ठहरने का चांसेस बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे सब कुछ ज्यादा है, ब्लड सप्लाई अच्छी है, मीडिएटर्स इस तरह के हैं, केमिकल मीडिएटर्स, और उसके अलावा जो थिकनेस है वो भी अच्छी है गर्भाशय में बच्चे के चिपकने के लिए, तो सारी चीजें फेवरेबल हैं, तो प्रेगनेंसी के चांसेस हाँ बढ़ जाते हैं अगर आपने डीएनसी कराई होती है। क्योंकि जो बॉडी का मैकेनिज्म है, जो यूट्रस की हीलिंग है, वो इस तरह से होती है कि जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस है वो अच्छी होती है, वहां ब्लड सप्लाई अच्छी होती है और इम्प्लांटेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये तो वो मैकेनिज्म हुआ जो बोला जाता है कि भाई डीएनसी कराने से, सफाई कराने से, कभी कभी आपने सुना होगा कि बच्चेदानी की धुलाई करा लो, अंदर से सफाई करा लो, उसके बाद प्रेगनेंसी जल्दी ठहर जाएगी। लेकिन अगर आपके डॉक्टर ने आपको रेकमेंड की है डीएनसी, कि आपको डीएनसी करानी है, आपको तभी करानी चाहिए, क्योंकि डीएनसी एक सर्जिकल प्रोसीजर है और एक ब्लाइंड प्रोसीजर है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि उसमें बाहर से इंस्ट्रूमेंट डाला जाता है, तो उसमें कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं जो आपको बेनिफिट करने की जगह बहुत ज़्यादा हार्मफुल आपके लिए हो सकती हैं, बहुत हार्म कर सकती हैं। तो अनटिल अनलेस कि आपके डॉक्टर ने एडवाइस नहीं किया है, आप खुद से जाके बच्चेदानी की सफाई कहीं मत कराइए। कई बार फायदा होने की जगह इससे बहुत नुकसान हो जाता है, और अगर इसको सही सेंटर, सही डॉक्टर की सलाह और उसके एक्सपीरियंस डॉक्टर की गाइडेंस में उसके थ्रू कराया जाए तो फिर ये आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। पर हाँ, डीएनसी करने के बाद ये नहीं है कि गर्भ नहीं ठहरता है, डीएनसी करने के बाद इनफैक्ट जो बॉडी का मैकेनिज्म है वो ऐसा है कि उससे सपोर्ट मिल सकता है प्रेगनेंसी में, इम्प्लांटेशन होने में और प्रेगनेंसी ठहरने में। लेकिन दोबारा से बोलूंगी, अनटिल अनलेस आपके डॉक्टर ने नहीं बोला है, खुद से जाके ये प्रोसीजर नहीं कराना है, ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह भी हो सकता है। सो आई होप ये जो वीडियो है, इसमें जो डाउट था वो आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा और उनके साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।